हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है दोस्तों सभी लोग स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जानने वाले। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में अभी देख रहे होंगे कि ईरान ने अपनी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया। सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा अगर एक लाइन में अगर आप जानेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है। हर देश का अपना सुपर कंप्यूटर होता है। भारत का भी अगर देखा जाए तो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है। तो ईरान ने आपका सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है सिमोर्ग। ठीक है, और इसके बारे में, इस सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर जिसमें क्या क्या काम करता है, कि क्या कैपेसिटी है, कौन बनाया, ये तो आपको देख के ही हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ईरान ने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, इस क्लास में मिलने वाली। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ेंगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये कंप्यूटर का, बेसिक कंप्यूटर का भी अगर देखा जाए तो ये नेक्स्ट पार्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो बेसिक कंप्यूटर आप लोग क्लास कर रहे हैं उसमें आपको कंप्यूटर के बारे में ही बताया जा रहा है, प्लस टाइपिंग बताया जा रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आज आपको सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ से क्या लिखा है कि ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया। यानी ईरान रिसेंटली लॉन्च इट सुपर कंप्यूटर कॉल्ड सिमोर्ग। ठीक है, यानी ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जिसको किस नाम से जाना जाता है, सिमोर्ग, SIMORGH। ठीक है, सिमोर्ग। इसके बाद क्या है आपका, ईरान ने हाल ही में सिमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। यह सुपर कंप्यूटर पिछले ईरानी सुपर कंप्यूटरों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। यानी कहने का मतलब क्या है, ईरान ने हाल ही में सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर जो नाम से अपना जो सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, यह जितना भी सुपर कंप्यूटर, यानी पिछले जितने भी ईरानी सुपर कंप्यूटर बने उन सभी कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली। यानी मतलब ईरान ने अभी तक जितना भी सुपर कंप्यूटर बनाया उन सभी सुपर कंप्यूटर के अपेक्षा ये सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। दिस सुपर कंप्यूटर इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन द प्रीवियस ईरानी सुपर कंप्यूटर्स। जो भी लोग जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा साउंड अगर आ रहा है एक बार पता कर ले जरा सा। चलिए ठीक है, तो यानी क्या है, यानी ईरान ने अभी तक जितनी भी सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए उन सभी कंप्यूटर की अपेक्षा, उन सभी सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा ये सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद ये देखिए, ये आपके सामने सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर है। ये यानी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये आपका सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया, ईरान ने बनाया, और अभी तक सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर आपका ये सिमोर्ग है। अब बात रहा कि ये अगर मान लीजिए इस सुपर कंप्यूटर का नाम सिमोर्ग रखा गया होगा तो ये सिमोर्ग वर्ड कहीं ना कहीं से तो आया होगा। इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण फिनिक्स, ठीक है, इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया है जिसे सिमोर्ग कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक पक्षी का नाम फिनिक्स होता है, जैसे मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि इस सुपर कंप्यूटर का नाम फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसे सिमोर्ग, जैसे एक पक्षी है जिसका नाम फिनिक्स है, उसी के नाम पर इस सुपर कंप्यूटर को रखा गया है जिसे हम क्या कहते हैं, सिमोर्ग भी कहते हैं। द सुपर कंप्यूटर हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फोनिक्स लाइक बर्ड कॉल्ड द सिमोर्ग, सिमोर्ग। ठीक है, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान की राजधानी तेहरान में अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। यानी ये जो सुपर कंप्यूटर यानी सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर कहां पर बनाया गया है,
ईरान की राजधानी तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में एक आपका अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। अगर एग्जाम वगैरह में भी आपसे पूछे कि ये सुपर कंप्यूटर यानी सिमर्क सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया ईरान की राजधानी तेहरान, जिसमें तेहरान के अंदर अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा सिमर्क कंप्यूटर को बनाया गया है। यह ईरानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यह ईरानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर में स्थित है, यानी यह देखा जाए तो यह ईरानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्या बता रहा है, नेक्स्ट आपका क्षमता, क्षमता के बारे में पता होगा, कैपेसिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं, हर कंप्यूटर का कुछ ना कुछ एक क्षमता होता है, तो उसी तरह ये सिमर्क सुपर कंप्यूटर का क्षमता क्या है, तो सिमर्क सुपर कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता 56 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक है, यानी सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता 56 पेटाफ्लॉप्स है। इसे 2 महीने में 1 पेटाफ्लॉप तक पहुंचाया जाएगा, इसके बाद के स्तरों में इसे 10 पेटाफ्लॉप की गति तक पहुंचाया जाएगा। इसमें 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 42 रैंक शामिल है, भविष्य में इसे 400 वर्ग मीटर में अपग्रेड किया जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर का कुल बजट $9 मिलियन यानी $9 मिलियन होने की उम्मीद है, ठीक है, यानी इस सुपर कंप्यूटर का कुल बजट कितना है, तो $9 मिलियन होने की उम्मीद है। देखिए यानी क्या बता रहा है कि द टोटल बजट ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी $9 मिलियन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले शुरू में ही हम आपको एक लाइन में बता दिए कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ऑटोमेटिक है कि अगर बड़ा होगा, तेज होगा, तो महंगा भी होगा, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा आपका सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा, महंगा और तेज कौन सा कंप्यूटर, आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से जो सही है, तो सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए इसके बाद आपका क्या है, उपयोग, ठीक है। इस सुपर का मान लीजिए कि कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो बनता है तो किसी न किसी पर्पस से बनता है, कोई ना कोई काम होता है, तो इसका उपयोग क्या है कि इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग इमेज प्रोसेसिंग, जैसे मान लीजिए इमेज पर प्रोसेसिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों को पता होगा कि जितना भी रोबोट तैयार होता है तो आपका रोबोट का पूरी तरह डिपेंड आपका रोबोट किस पर होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होता है, यानी बनावटी सूचना पर होता है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है ना कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम देखकर सुनकर इनपुट ले लेते हैं, जबकि मशीन में डेटा इनपुट करना होता है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा अगर मशीन अगर ह्यूमन की तरह काम कर रहा है, तो जो रोबोट है ह्यूमन की तरह अगर काम कर रहा है तो उसमें पूरा डेटा आपका इनपुट किया गया है, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है। इसके अलावा वर्कलोड, ट्रैफिक और मौसम डेटा के लिए किया जाएगा, और ऐसे भी नॉर्मली सुपर कंप्यूटर का उपयोग यही होता है कि मौसम का भविष्यवाणी करना हो, किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष पर भेजना हो, इसके अलावा आपका मूवी निर्माण में हो, ठीक है, और भी बड़े बड़े कामों में आपका सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो उसी तरह ये भी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, तो इसका उपयोग इमेज प्रोसेसिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वर्कलोड, ट्रैफिक, मौसम डेटा के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग स्थानीय निजी फर्मों को क्लाउड होस्टिंग के लिए भी किया जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर स्थानीय निजी फर्म में देखा जाए तो क्लाउड होस्टिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। द सुपर कंप्यूटर इज टू बी यूज्ड फॉर इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक एंड वेदर डेटा। इट विल आल्सो बी यूज्ड फॉर क्लाउड होस्टिंग लोकल प्राइवेट फर्म्स, ठीक है। इसके बाद अब एक इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है, स्पॉटलाइट क्या है, एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है आपका, एग्जाम वगैरह में अगर देखा जाए तो ऑप्शनल में, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो उन सब में जो अभी तक बताया गया एक एक नंबर का पूछा जाए, लेकिन अगर डिटेल से पूछ दिया जाए तो पूछ सकता है कि स्पॉटलाइट क्या है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम में, मेन्स वगैरह में या और भी बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि डिटेल से लिखना होता है, तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछ देता है स्पॉटलाइट क्या है, तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध
प्रतिबंध लगाए थे, ठीक है, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे। और अभी आप लोगों को पता होगा कि ईरान ऐसे भी आपका बहुत ही है, थोड़ा सा न्यूज में हाईलाइटेड हो रहा है, क्योंकि चाइना से जाके चाइना उसको पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया है, चाइना से मतलब मिल गया है भारत को, मतलब ऐसा मतलब कहा जाता है कि धोखा दिया बहुत तरह का, है ना। तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे और व्यापार के दरवाजे देश के लिए पूरी तरह से बंद है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे और व्यापार के दरवाजे देश के लिए पूरी तरह से बंद है। अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी व्यापार प्रतिबंध लगाए थे, ठीक है, अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी व्यापार प्रतिबंध लगाए थे और दशकों से इसके परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार ईरान ने सुपर कंप्यूटरों के इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी चिप्स को अवैध रूप से प्राप्त किया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द स्पॉटलाइट, द यूएस हैड इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान एंड द डोर्स ऑफ द बिजनेस इज कम्प्लीटली क्लोज टू द कंट्री, ठीक है। ये अगर आपको देखना हो, पढ़ना हो, पढ़ लीजिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ईरान कभी भी अपने हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं करता। 2001 में अमीर कबीर विश्वविद्यालय ने इंटेल पेंटियम प्रोसेसर, आप लोगों को पता है कि इंटेल पेंटियम के बारे में जानिए कि इंटेल क्या है, इंटेल मार्केट में सबसे फर्स्ट बार कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी क्वालिटी के जो प्रोसेसर मार्केट में आती है वो आपका इंटेल है, ठीक है। इंटेल एक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। और अगर पेंटियम देखा जाए तो आपका इंटेल प्रोसेसर का सबसे पहला वर्जन अगर देखा जाए तो पेंटियम लॉन्च किया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर यूज किया जाने लगा आईसी को रिमूव करके आईसी के स्थान पर, तो सबसे पहला आपका प्रोसेसर पेंटियम लाया, ठीक है। और अभी अगर देखा जाए तो कोराई 3, कोराई 5, कोराई 7 ये सब प्रोसेसर चलता है। तो ये जो भी प्रोसेसर मार्केट में आती है ये आपका इंटेल कंपनी का। तो 2001 में अमीर कबीर विश्वविद्यालय ने इंटेल पेंटियम प्रोसेसर पर आधारित 32 नोड ने 32 नोड पीसी विकसित किया था। 2007 में फिर से 2016 एएमडी कोर प्राप्त हुआ था, जिसके बाद सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ईरान अमेरिका और अन्य देशों से आवश्यक कच्चा माल खरीदने के लिए बिटकॉइन खनन सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। बिटकॉइन आप लोगों को पता होगा, बिटकॉइन आपका ये है, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। बिटकॉइन क्या है, आपका क्रिप्टो करेंसी है। यानी क्रिप्टो करेंसी का मतलब है कि आप इसको डिजिटल मुद्रा कह सकते हैं, इसको आप डिजिटल मुद्रा भी कहेंगे, ठीक है। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल मुद्रा है, एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन खनन सुविधाओं का उपयोग कर रहा है, ठीक है। ये आपका जो है उसका इंग्लिश है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो ये आपको नोट्स जो दिया गया ये इंग्लिश में भी दिया गया ताकि आप हिंदी में भी समझ पाएं, और इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश भी प्रिडिक्ट करके आप समझ पाएं, ठीक है। ये आपका जो था, क्या था आपका, सिमोर्क सुपर कंप्यूटर के बारे में था, जिसमें आपका स्पॉटलाइट क्या है वो बताया गया, इसका उपयोग कहाँ होगा वो बताया गया, कैपेसिटी क्या है इसका ये बताया गया, यानी क्षमता। और इसके बाद ये सिमोर्क सुपर कंप्यूटर कहाँ पर डेवलप किया गया ये आप लोगों को बताया गया। और इसके अलावा इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसका नाम पक्षी फिनिक्स के नाम पर पड़ा हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमोर्क भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है आपका सिमोर्क सुपर कंप्यूटर, ये क्या है आपके सामने जो है, ये सिमोर्क सुपर कंप्यूटर है। और इसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर क्या बताया गया कि अभी तक जितने भी ईरान सुपर कंप्यूटर बना है, ईरानी सुपर कंप्यूटर बना है, उन सभी कंप्यूटर से सिमोर्क आपका सुपर कंप्यूटर 100 गुना यानी 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। और ये अभी न्यूज़ वगैरह में भी आपका लगातार आपका आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना